दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि रोलैंग क्या होते हैं। रोलैंग को जानकर आप लोगों को जोम्बी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों जोम्बीज यानी कि आदमखोर मुर्दे, जिनके बारे में हम आम दिनों में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कई सारी हॉलीवुड फिल्म्स भी इनके ऊपर बनती है। एक ऐसे मुर्दे जो अपनी ना ही मृत अवस्था में रहते हैं और ना ही जीवित अवस्था में रहते हैं, वो लोगों को काट के इन्फेक्ट करते हैं और अपने जैसे में तब्दील कर देते हैं। लेकिन क्या इन जॉम्बीज जैसे क्रिएचरों का भी जिक्र अलग अलग ग्रंथों में भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है दोस्तों। जैसे आप लोग जानते होंगे इस दुनिया में 4200 धर्म एग्जिस्ट करते हैं। उन 4200 धर्म में से एक और धर्म है, एक और कल्चर, एक और सभ्यता है, जिसका नाम है तिब्बतियन। तिब्बतियन माइथोलॉजी के हिसाब से दोस्तों एक रोलैंग नाम के क्रिएचर होते हैं, एक ऐसे क्रिएचर जो दिखने में हूबहू ज़ॉम्बीज जैसे होते हैं, या फिर ये कह लो ज़ॉम्बीज दिखने में हूबहू रोलैंग की तरह होते हैं। जो हॉलीवुड फिल्म्स के कंसेप्ट हैं ज़ॉम्बीज ऐसे दिखेंगे, वो तिब्बतन माइथोलॉजी, तिब्बतन कल्चर से लिए गए हैं। दरअसल दोस्तों तिब्बत के बहुत सारे धर्म ग्रंथों में रोलैंग नाम के एक प्राणी का जिक्र है, एक ऐसा प्राणी जो कि स्पेशल तरह से बनाया जाता है, इंसानों की तरह से या तो फिर शैतानों की तरह से। रोलैंग का कहर इतना ज़्यादा है वहाँ के लोगों में दोस्तों कि वहाँ के लोग अपनी इमारतों में, अपने घरों में बड़े बड़े दरवाजे तक नहीं बनाते हैं। उनके घरों के जो मेन दरवाजे होते हैं, फिर जो नॉर्मल दरवाजे भी होते हैं, उनकी हाइट हमारे इंसानों की एवरेज हाइट से काफ़ी कम रखी जाती है, ताकि रोलैंग कभी उस घर में एंटर ना कर पाए। क्योंकि जो रोलैंग होते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से स्टिफ होती है, मैं अपने पहले के एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ। वो कभी भी उनके कोई भी बॉडी के जॉइंट्स जो होते हैं, यानी जॉइंट जो ये होते हैं ना हमारे, ये सब जॉइंट, वो मुड़ नहीं सकते, बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं। एवरेज इंसान की हाइट से उनके घर के दरवाजे छोटी हाइट के होंगे, तो किसी भी इंसान को झुक के आना होगा, और रोलैंग तो झुक नहीं सकते, इसलिए रोलैंग उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आखिर कैसे हुई रोलैंग की उत्पत्ति तिब्बतन माइथोलॉजी में? जैसे हमारे पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे तिब्बतन माइथोलॉजी में भी उनके भी कोई ऋषि मुनि या फिर धर्म गुरु रहे होंगे, उन्होंने भी चीज़ें लिखी हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर जैसे हमारे इधर राक्षसों का जिक्र मिलता है, वैसे वहाँ पर रोलैंग्स का जिक्र मिलता है। रोलैंग को दो तरह से बनाया जाता है इनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से, एक होता है डेमोनिक और एक होता है तांत्रिक रिचुअल। सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोनिक रिचुअल की। डेमोनिक रिचुअल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा अनुष्ठान जो किसी आत्मा के द्वारा किया जाता है, एक प्रेत आत्मा, एक राक्षस कह लो, एक भूत या पिशाच कह लो, वो अपनी इच्छा की मदद से अपने जैसा ही एक रूप पैदा करता है जिसको रोलैंग कहा जाता है। वो एक ईविल स्पिरिट पैदा करता है। वो इविल स्पिरिट के पास एक ऐसी शक्ति होती है कि वो इविल स्पिरिट किसी भी मुर्दा के अंदर घुस सकती है, यानी किसी भी मृत शरीर के अंदर घुस सकती है। ऐसा मृत शरीर जिसकी मौत अभी अभी हुई हो, उसका अंतिम संस्कार, उसे दफनाया जलाया ना गया हो, वो इविल स्पिरिट जो कि एक शैतान ने बनाई थी अपने जो कुछ इच्छाएं उसको पूरी करने के लिए, वो इविल स्पिरिट एक मुर्दे के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब वो मुर्दा जीवित हो जाता है, लोगों को इन्फेक्ट करता है। वो लोगों को कैसे इन्फेक्ट करते हैं? केवल सर में टच करके। दोस्तों इस प्रकार का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। एक जिक्र था जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर किसी के भी सर पर हाथ रखता था तो वो भस्म हो जाता था। दोस्तों ये कंसेप्ट भी उसी से कुछ मिलता जुलता मुझे लगता है। रोलैंग अगर किसी के भी सर पर हाथ रख देते हैं तो वो भी रोलैंग की तरह बन जाते हैं, मतलब एक तरह से नष्ट हो जाते हैं। ना वो अपनी जीवन वाली स्थिति में रहते हैं, ना वो अपनी मृत्यु वाली स्थिति में रहते हैं। ये दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन होती है, एक पतली सी रेखा होती है, ये लोग वहाँ पर होते हैं। दोस्तों ऐसा कोई भी शैतान क्यों करता है? क्योंकि उसे इस दुनिया में अपना बदला लेना होता है, इस दुनिया में उन्हें अपना राज जमाना होता है। इसलिए समय समय पर जो शैतान होते हैं वो रोलैंग जैसी ईविल स्पिरिट को पैदा करके किसी भी एक मृत शरीर में प्रवेश दिलाते हैं। ये तो हुई डेमोनिक रिचुअल दोस्तों। अब हम बात करेंगे तांत्रिक रिचुअल की। तांत्रिक रिचुअल एक ऐसा रिचुअल होता है जिसमें एक तांत्रिक ही कह लो,
तांत्रिक, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, झाड़ फूक करने वाला आदमी, या फिर एक ऐसा आदमी जो कि काला जादू पर विश्वास रखता है, काली शक्तियों का पुजारी होता है, वो अपनी काली शक्तियों की मदद से एक ईविल स्पिरिट को जन्म देता है। लेकिन इस बार उसका कारण कुछ और होता है, इस बार उसका पर्सनल कारण होता है। जैसे हम लोग इंडिया में सुनते आते हैं प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं, जमीन घर जायदाद दुनिया भर के झगड़े होते हैं, लोगों को एक दूसरे से बदला लेना होता है चाहे वो किसी भी रीजन से हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर किसी को काला जादू करना होता है तो वो भी कर जाते हैं। वहीं पर तिब्बतन माइथोलॉजी मतलब वहां के लोग भी क्या करते हैं, लोगों से अगर बदला लेना होता है तो काला जादू करते हैं, और इस काला जादू में रोलैंग का उपयोग किया जाता है। रोलैंग फिर से सेम टू सेम वैसे ही विल स्पिरिट यहां पर भी बनती है, जो कि एक मृत शरीर पर प्रवेश करती है। जो डेमोनिक वाला रिचुअल था उसमें एक शैतान ही रोलैंग को जन्म देता है इंसानों की बर्बादी के लिए। लेकिन जो तांत्रिक वाला रिचुअल होता है उसमें एक काला जादू करने वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसे काली शक्तियों का ज्ञान हो, वो रोलैंग को जन्म देता है अपने पर्सनल यूज, पर्सनल रंजिशों के लिए, पर्सनल किसी से बदला लेने के लिए, ऐसा उनकी माइथोलॉजी में जिक्र है। जब तांत्रिक रिचुअल से कोई भी रोलैंग का जन्म होता है तो वो एक मृत शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब वो अपना पर्सनल काम कंप्लीट करवाता है जिसने उसको जन्म दिया था। पर्सनल काम कंप्लीट करवाने के बाद वो उसकी जुबान काट देता है, समझ रहे हैं आप लोग, उस रोलैंग की, यानी कि उस मृत शरीर जो कि अब जीवित हो चुका था, उस रोलैंग की आत्मा के घुसने के बाद उसकी वो जुबान काट लेता है। जुबान काटने के बाद जो जुबान होती है, जो टंग होती है, जो जीभ होती है, जो मृत शरीर की उसे मिली है, वो बहुत ही एक शक्तिशाली औजार बन जाती है। आगे जब कभी भी उसे कोई भी काला जादू करना होगा, कोई भी बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, कोई भी काली शक्ति या शैतान को न्योता देना होगा, तो इस जुबान का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। जैसे ही वो उसकी जुबान काटता है उसकी तुरंत ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही उसकी वापस से मृत्यु होती है उसके शरीर के बहुत सारे पार्ट्स सोने के बन जाते हैं, इस तरह का जिक्र मिलता है। दोस्तों आज जो मैंने जो कुछ भी जानकारी दिया ये मैंने अपने मन से नहीं दिया, मैंने जगह जगह से रिसर्च किया और फिर उठाकर आप लोगों को रोलैंग के बारे में जानकारी दिया। ये जो रोलैंग होते हैं ना, ये कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज ही होते हैं। यहीं से कंसेप्ट उठाए थे हॉलीवुड वालों ने, बॉलीवुड वालों ने, और इसके ऊपर काफी सारी फिल्म्स बनाई, नाम रख दिया ज़ॉम्बीज, क्योंकि रोलैंग थोड़ा सिंपल साउंड कर रहा था, ज़ॉम्बी थोड़ा डरावना, थोड़ा भारी साउंड कर रहा था, इसलिए लोगों को डराने के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने इस नाम का उपयोग किया है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज के बारे में तो जानते हैं, अब आप ये भी जान गए कि इनका जन्म कैसे होता है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों को इनका आइडिया मिला। लेकिन दोस्तों आप लोग अब तक ये नहीं जानते हैं कि ज़ॉम्बीज के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सचमुच में बताने वाला हूं कि ज़ॉम्बीज के कितने प्रकार होते हैं। इंटरनेट में जितनी भी कोशिश कर लोगे नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो मजा नहीं आएगा। कल के मेरे वीडियो में जरूर आना, क्योंकि कल के वीडियो में मैं ज़ॉम्बीज के प्रकार बताने वाला हूं, और उन सारे अलग अलग प्रकार के ज़ॉम्बीज का वध कैसे करना है, उनको खत्म कैसे करना है, उनसे लड़ाई कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपका मनोरंजन भी होगा साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ेगी। जानकारी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी हो चुकी है, और उस भविष्यवाणी को मद्देनजर रखते हुए CDC ने भी ये कहा है कि कभी भी ज़ॉम्बीज का अगर हमला हो गया इस दुनिया में तो आप लोगों को तैयार होकर रहना है। तो मैं वही कर रहा हूं, मनोरंजन करने के साथ साथ आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। इसी के साथ आज के इस वीडियो से आपसे विदा लेना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इंस्टा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, कल के वीडियो का इंतजार करना, कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।